हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट एन अदर वीडियो एंड द वीडियो टाइटल इज डकी भाई एंड अरोबी की मायों। तो मायों इज अ पंजाबी एंड पाकिस्तानी वर्ड। इवन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में और पंजाब में, मतलब ज्यादातर लोग पंजाब पाकिस्तान में भी पंजाबी रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वेडिंग होती है ना, शादी होती है, तो शादी से पहले एक हल्दी की रस्म होती है, दो तीन रस्में भी होती हैं, तो उनको जो है मायों कहा जाता है, मायों कहा जाता है वहाँ के लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो आज हम वो देखेंगे कि मायून, हाँ मायून, मायून बोलते हैं उनको। तो आज हम वो देखेंगे, और ये एक ब्लॉगर हैं, सिस्ट्रोलॉजी करके उनका ब्लॉग है। तो उनका ब्लॉग है, वो चार बहनें होती हैं, उनके ब्लॉग बहुत ऑसम होते हैं, पाकिस्तान के। और आप ही केस में कमेंट आ रहे थे काफी टाइम से कि इनके चैनल पे जाके रिएक्शन देने के लिए, तो हम भी देखते हैं, हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं आपको रिएक्शन। Let's go. मैंने अपना ड्रेस गाइस खोल लिया, कितना प्यारा, और इसका रिएक्शन तो देखो, मतलब राव्या फैशन। सारी सिस्टर्स हैं, मुझे कोई परफ्यूम नहीं देना, करिए मेरे नहीं देना, वो वगैरह मेरी उंगलियों पे निशान पड़ गए। सो हियर इज द ब्राइड। बहुत बहुत ले भी लग रहे हैं, सीरियसली स्पोर्ट का कमाल है, कोट उतारूंगा ना हेड से। उसके लिए प्रेप्स करनी है, और आपको पता है मेरा ड्रेस नहीं आया था, लेकिन मैंने सुबह अर्जेंट बेसिस पे कॉल की है, और एक जगह से जो है ना वो पार्सल मिल रहा था, मतलब हो रहा था डिलीवर, तो फिर मैंने वहां से ऑर्डर कर दिया। ये किसका ड्रेस है? वाओ, वेलवेट पहन रही है यार, मेरी अम्मा सबसे समझदार है। मतलब हम लोग कपड़े पहनते हैं बहुत बारीक हो गए, स्लीवलेस भी पहन लेते हैं, शिफॉन भी पहन लेते हैं, मेरी अम्मा सही सर्दियों के हिसाब से वेलवेट को कैच करती हैं। तो गाइस, मेरा नाश्ता तो अभी तक नहीं आया, लेकिन मेरा ड्रेस आ गया फाइनली। मैंने अपना ड्रेस गाइस खोल लिया, कितना प्यारा, और इसका रिएक्शन तो देखो, मतलब फ्लू हुआ है, लड़की जा नहीं रही है, लेकिन ड्रेस पूरा पूरा देख रही हूँ, कितना प्यारा ड्रेस है यार, इमरजेंसी मंगवाया मैंने। लेकिन ये लंबा यार, तुम बोनी हो। दफा, हाउ डेयर यू टू कॉल मी बोनी, तुम बोनी हो। चलो जी, मेरी अभी तक बेस नहीं बनी, और ये पूरा मेकअप करके आ चुकी है। अबे तुमने बहुत अच्छा किया है यार, मेरी बेस देखो कैसे बनी है। फिर आप मम्मा का मेकअप करना है, सही है ना, मैं शाइन। हाँ, ये देखो जरा, मानो का ड्रेस तो माइयों के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तैयार नहीं हुई, मैंने वैसे ड्रेस पहनी है, यहाँ से ना सब गायब हुई है अभी फिलहाल मैं पहन के, और इस वक्त मैं अपने ज्वेलरी वाले स्टॉल पे आई हुई हूँ। ये मतलब हमारे घर में ज्वेलरी की दुकान लगती है प्रॉपर, बहुत से लोगों का दिल करता है अपनी। मैंने एक दफा आप लोगों को वैसे ना ज्वेलरी कलेक्शन अपनी दिखाई है, ठीक है। अभी मुझे ना इयररिंग समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन से पहनूं, अभी जो मैं पसंद करके बैठी ना वो ना ये तोतों वाले, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं, ये देखें। लेकिन मैं इतने मल्टी पहनना नहीं चाह रही। ये देखें जी, मैंने ये इयररिंग सेलेक्ट किए हैं, मुझे ये अच्छे लग रहे थे अपने ड्रेस के साथ, या मेरे पास ये ऑप्शन है। ओह माय गॉड, गेस हु इज शी, गेस करें। राव्या ओ माय गॉड, बहुत प्रॉपर। अब मेरी, मैंने अभी बस ज्वेलरी डिसाइड करनी है, अभी मुझे इसमें से बताओगे कौन से इयररिंग्स पहनूंगा। अम्मा को तो दिखा दूं मैं पहले आपको, ये वाले जूते तो मेरा आज मेकअप इतना सही नहीं ना हुआ, दिखाएं। मेकअप आज खुद किया, अच्छी तो लग रही है अम्मा। हाँ नहीं, प्यारी लग रही है। आज मैंने सीखा कि इंसान को खुद हर काम आना चाहिए। वो उधर तैयार हुई जा रही है, नुकरे लग के, मतलब पता नहीं क्या ही क्या करी जा। दोनों पीछे करो, एक साइड आगे रखो, हाँ इस तरह से करो, यस। अच्छा मैंने एक हिसाब लगाया, मेरे पे ना लाइट कलर कम सूट करते हैं, मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ इस ड्रेस को पहनकर। आप लोग बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मा पिन होगी यार, एक पिन चाहिए मम्मी, प्लीज ऐसे ना करें, मुझे पिन चाहिए प्लीज, मेरे अपना दुपट्टा धड़कन है प्लीज। यहाँ अम्मा इनकी तैयारियाँ देख रही हो, इधर ये जिस पेपर वाली, ये तुम पढ़ाई कर रही हो? हाँ तो जलूं क्यों, इसमें क्या है? मैंने ओहो, मैंने खुशा पहना ही नहीं। हाँ जी, तुम जो छुट्टी तुम पढ़ रही हो, इसी से तुम चली जाती, कितने तुम दिखाओ। असफरुल्लाह, मैं कह रही थी जब मेरी पिक्चर पे 10 लाइक आ जाए मेरा गाना।
10 लाइक के बाद तो तुम ये नहीं करती फातिमा, बस कर दो, खुदा का खौफ करो। तुम ये क्या कर रही हो मेरी माँ के प्यारे कपड़ों के साथ? तुम कैमरा साफ कर। तो मेरा आप क्लच देखे, ऐसे लग रहा है ना जैसे ताजमहल कह के बनवाए, बहुत प्यारा लग रहा है। ये तुम्हारा याद है मेड फॉर ईच अदर, ये रब ने बना दी जोड़ी। ओह माय गॉड, इसका ड्रेस तो देखे जरा पूरा, कप्तान खान लग रही है तुम्हें। चेक तो करो, ऐसे लग रहा है मेड फॉर ईच अदर। क्या परफ्यूम लगाने को कहा था, खाने को नहीं कहा था? हल्की हो जाती है एक तो ये, और एक फातिमा इतना बुरा परफ्यूम यूज करती है ना कि मैं, मेरा दिल ऊपर नीचे। चल अपना मेड फॉर ईच अदर दिखाओ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये मम्मा मेरी सेफ्टी के लिए 100% अपनी मिली, अब निकलो यार, मुझे मेरे बाल से चाहता लाइट से गाड़ी को देखो, निशान को आएगा सेफ्टी के लिए। मेरे को नहीं डरो मम्मा, मेरी उंगली पे निशान पड़ के सेफ्टी पिन टिंट लगा के फातिमा के लिए नहीं जा रही है बस। चलो गाइस गर्ल्स निकलो, ये देखें जी 8 बजने वाले हैं, कहां 5 बजे का टाइम था। मैंने कहा पापा को, मैंने कहा परी जल्दी से आ रही ना, क्या यार ये फ्रोका नहीं उठाया जा रहा। अरे वो इतनी सर्दी है यार बाहर, कोई ऐसी को कुछ सर्दी पड़ रही है। केक रख ली है, बास्केट रख ली है। पापा इतनी देर से वेट कर, पापा जी हम जल्दी तैयार हो गए ना। चलो जी मैडम, मेरा को शॉल नहीं मिल रही है, बास्केट वेलवेट पहन के बैठी हुई है बच्चियां बेचारी। बच्चियों को भी अपना ख्याल करना चाहिए। चलो पापा से पूछते हैं, सबसे अच्छा कौन लग रहा है? सबसे अच्छा लग रहा है इकरा। ये तो झूठ बोल रहा है पापा। मम्मा को कहना, मम्मा को तो मेरा कहेंगे। कौन अच्छा लग रहा है? अम्मी। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा प्लेट हो आप वापस जाओ। अब जी बारी है शगुन को थाल निकालने की। शगुन शगुन वाह, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखे लड़कियाँ जा रही हैं यहाँ पे, देखे सबसे फेवरेट चीज, और खाने में फुल ऑन मसरूफ है। ओनी गिर गया, यहाँ बैठो और गोलगप्पे पार्टी करो। अम्मा भी बैठ चुकी हैं। सो हियर इज द ब्राइड। वो बहुत प्यारी लग रही है। इसको देखो जरा, यहाँ तो नाच गाना बख्श दो बेटा, पैरों में ड्रेस आई जा रहा है बार बार मेरा, पता नहीं मैं क्या। मम्मा सबसे अच्छी रह गई और ये अच्छी रह गई, तुम सही रह गई। हाँ तुम्हारा तो मम्मा ने जूता ही उतार दिया, और मैं देखो हेलो जल्दी मुबारक भाई, मुबारक। बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। आपकी मैचिंग एक तो बहुत अच्छी हुई है, दूसरा बहुत बहुत यार हमारा भाई बहुत प्यारा लग रहा है। सीरियसली इन लोगों की कपल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने अच्छी अच्छी विशेष देनी है, ठीक है? इतना भी तैयार नहीं हो गया चाहिए किसी की शादी पे। बड़ी जल्दी नहीं पता चल गया तुम्हें? इससे बच के बैठी स्पार कर दे, मानो ये पता लगे फटी हुई हो तुम। ये यहाँ पे जी इनका होने लगा है जी फोटो शूट, ब्यूटीफुल कपल का। और इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेहंदीपुर मंडलीपुर, गाना बजाना नाचना से चीज खाना पाना। देखिए भाई ना रूप की बजाय ना कैमरामैन को देख रहे हैं। वाओ, हर शादी में एक बच्चा ऐसा होता है, ये प्यारा सा गोलगप्पा सा बच्चा है, और हर हमें यहाँ पे भी गोलगप्पे मिले हैं हमें वो फुल। इसको बोलते हैं ये काजू कतली है, काजू कतली। लोगों की तो मिठाइयां चोरी कर करके खाओ, उनको काम कर रहे हैं तो वो बेचारे तक आ रहे हैं। ऐसी ले ली है, बहुत शुक्रिया, बहुत महंगा। मानो मानो चोर चोर, मानो मकली कपड़ों में छुपा रही है मिठाई। वाओ, पहला उत्तर का पूरे मुंह पे लगाओ, अरुण पूरे मुंह पे, अरुण पूरे मुंह पे। It's party time with Arjun and Mansi.
खाने आती हूँ उन्होंने खाना खाने आया था सही बात है खाना नहीं सामने कैंडिड प्लीज फॉर अ स्माइल मुस्कुराइए वो पूरी खा गए हैप्पी मायो अरु तो और क्या इनका यहाँ पे फोटो सेशन चालू है कुछ एक्स्ट्रा वाला देखना जरा यहाँ से कैमरा आता है एक पिक्चर लेके क्लिच वैसे ये देखे मैंने हिरा का नाक जख्मी किया अपने इन प्यारे नेल्स के साथ ठीक है इस वक्त डक्की भाई का ब्लॉग मैं बना रही हूँ यहाँ पे देखें प्रॉपर मुंह की सफाई की जा रही है अब यहाँ पे होगा हमारा फोटो सेशन क्योंकि वहाँ से दूल्हा दुल्हन की सीट हो चुकी है खाली सो जी हमारा खाना शाना ऊपर ही आ गया था मेरी अम्मा बैठ चुकी है खाने के लिए थैंक यू सो मच यार ये आलू गोल है बिल्कुल गोल आलू है मतलब कटा हुआ आलू नहीं है गोल आलू है राबिया पूरा खाना फिनिश करो कबूतरों की तरह तुमने खाना खाया जी मानो जी अब गंदे हाथ लगाओ बाद में उन्होंने खाने हैं फिर क्या चीज थी ये वीडियो हो गया खत्म टोटल मिला के मुझे तो कॉमेडी लगा इसमें ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं डेली जो रूटीन होता है वही है बस एक शादी में गए हैं ना शादी का था मतलब बेसिकली क्या है देखो ब्लॉगर है वो वहाँ के फेमस है तो लोग उनको देखना पसंद करते हैं सिस्ट्रोलॉजी को तो वो कुछ भी करेंगे कहीं घूमने जाएंगे तो लोगों को मजा आता है इंटरेस्ट आता है साथ में इनके ब्लॉग में फन भी होता है कॉमेडी भी काफी होती है मैं वही तो बोल रही हूँ कॉमेडी मतलब मुझे ब्लॉग में कॉमेडी काफी ज्यादा होती है और जो घर की एक चीजें होती है ना वो खींचातानी और छोटी छोटी चीजें वो दिखाते हैं बड़ा अच्छा लगता है जैसे वो काजू कतली छुपा रही थी दो और खा रही थी तो ये सब चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग था बड़ा मजा आया ब्लॉग भी काफी प्यारा था और एक जो थी ये घर पे बैठी हुई थी वो क्या नाम था उसको फातिमा टोटल मिला के चार पांच साल चार बहने तो वो कहती मैं तो घर पे बैठ के मस्त चिल किया नेटफ्लिक्स देखा एंजॉय किया तो सबसे बेस्ट पार्ट है घर पे रहना उसके अकॉर्डिंग सबके अकॉर्डिंग बाकी तीन लोग को घूमना पसंद था ठंड अलग से लग रही थी लेकिन शादी में ज्यादा देखा नहीं शादी में लेकिन एक चीज देखा नहीं है लोग शादी में जाते हैं और ज्यादातर महिलाएं वो फैशन करती फैशन कपड़े पहनती वो ठंड नहीं लगती है बस एक ही चीज पे हमारा ज्यादा जोर होता है फोटो क्लिक करने पे और वो सभी का होता है मेन टॉपिक वही होता है पर्टिकुलर पर्सन का ना ज्यादातर लड़कियों को होता है लड़कों को वही मतलब लड़कों को सिर्फ खाने से मतलब है ठीक था अच्छा था हमें भी अच्छा लगा ब्लॉग तो आप लोग इस ब्लॉग को काफी पसंद करते हो ठीक है इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और नए है तो हमारे चैनल में भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तब तक के लिए बाय बाय